हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर के रावल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन विथ थम्स अप। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल एंड ओवरकम योर स्टैमरिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग द वाटर। सो ये टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मेरे वीडियोस में जो भी बात शेयर करूँगा वो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार होगा, ठीक है। सो जिसी को भी अच्छा लगे सो इसको फॉलो करना, और जिसको स्टैमरिंग नहीं है वो ये वीडियो को शेयर करके दूसरों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो अब मैं ये टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँगा तो आपको थोड़ा बेटर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो जो लोग भी स्टैमरिंग करते हैं वो लोग जब भी किसी के सामने फेस टू फेस या फिर कॉल पर जब बात करते हैं तब वो स्टैमरिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो उसका ये रीज़न होता है कि उन लोगों का माइंड काफ़ी फास्ट हो जाता है उस टाइम, और उनके जो हार्ट बीट है वो भी बहुत फास्ट चलने लगते हैं, और उसको माउथ में कंट्रोल होता नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। किसी को भी स्टैमरिंग होगा वो लोग उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उससे ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है, और हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है क्योंकि 70% हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट है, ठीक है। सो हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे स्टैमरिंग के लिए भी जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पानी पीना तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी ने मेरे ये टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा होगा। सो जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना तो आपके स्टैमरिंग के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। सो अब किसी को भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो मेरे ये नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी को भी सीरियसली स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करना है वो लोग मुझे ज़रूर करना कांटेक्ट, और मेरे ये क्लासेस में मैं टोटली प्रैक्टिकल बेस करवाता हूँ, कोई थियोरिकल बेस होता नहीं है, ठीक है। सो किसी को भी मेरे ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो तो मुझे कॉल करके मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल आर के रावल, एंड जय श्री राम एंड जय हिंद।